पर फिर से मैं शुभ चांदनी पटेल जी को प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर हमारी सोनिका जी और डायरेक्टर हमारे सुनील जी योगेश जी ऐसी कोई फिल्म नहीं है ऑर्डर ऑफ हंड्रेड क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ हंड्रेड 99 योगेश भाई के आशीर्वाद के बिना हो जाए तो उनका आशीर्वाद हमें मिल गया है और योगेश भाई तो मतलब ब्राइट एवरी शायद इंडिया में ऐसा कोई कोना ना हो जहां पर ब्राइट नहीं पहुंचा है ब्राइट ने अपनी ब्राइट से सभी फिल्म इंडस्ट्री को पूरा चमकाया हुआ है सारे ब्रांड्स को चमकाया हुआ है और बेसिकली ये ब्राइट ना योगेश भाई की मुस्कान से निकलती है जो ब्राइट आप सब दोस्तों ने योगेश भाई ने ब्राइट नाम क्यों रखा है क्योंकि योगेश जी अब मैं इस फिल्म का जो पोस्ट हुआ है सतीश जी जो ऑडियो लैब के ऑनर है प्लीज उनका वेलकम करना चाहूंगा और ये वेलकम हमारी प्रोड्यूसर सोनिका जी करेंगी बहुत ही अच्छा माहौल रहा और सभी ने अपने अपने पार्ट को बहुत अच्छे से निभाया है थैंक यू स्टाफ कास्ट टू कास्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर स्पेशली चांदनी जी शुभ चांदनी जी इन्होंने एक फिल्म में काम किया था फिल्म का नाम था बहुत हिट फिल्म थी दिल का एडिटर डायरेक्टर मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की और उससे बहुत कुछ सीखा और वो गलतियां सीख के मैं ट्राई किया कि रिपीट ना करूं कई बार रिपीट हो भी गई फाइनली मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं आज भी सीख रहा हूं मैं शायद कल भी सीखते ही रहूंगा बट इससे एक प्रोसेस मुझे समझ में आया कि एज ए ह्यूमन बींग हम सभी का एक स्ट्रगल है और जो बार बार मिस्टेक दोहराता है वही कुत्ते के दैट्स यही आपको करना चाहूंगा सुरेश जी इनकी एक गलती हम लोग और देखते हैं स्क्रीन पे नहीं गलती नहीं हो एक बार हम लोग ट्रेलर देख लेते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा क्या मैं असिस्टेंट था तभी से अजीज भाई के साथ मैं म्यूजिक सेटिंग में बैठता था और उनके म्यूजिक के लिए अजीज भाई मुझे खुद भी बोलते थे गाना कैसा है रखना चाहिए कि नहीं तो एज एन असिस्टेंट मेरा म्यूजिक में बहुत ध्यान था और आप फिल्म मेकिंग देखो तो टोटल विजुअल और साउंड के ऊपर ही डिपेंड करती है तो ये दोनों चीज़ में मैंने स्टार्ट से ही सीखना शुरू किया मेरा जोनर ही है मैं जनरली अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कॉमेडी करता हूँ ये ऑटो हो जाता है ऑटो मोड में हूँ मैं कॉमेडी में बहुत बहुत अच्छा लगा नए लोगों के साथ काम करके इनफैक्ट मेरा ये विजन था कि मैं इंडिया के हर कॉर्नर से जैसे ये एक बंदा अपना राज रहमान अली उड़ीसा से अपना ललित सिंह राव ये राजस्थान से जस बोपर आए ये पंजाब से मैं घूम रहा था मुझे बेस्ट एक्टर्स चाहिए मुझे चाहिए थे कि टीनेजर के सब्जेक्ट है ये और मुझे ऐसे फाड़ू एक्टर चाहिए कि भाई तोड़ डाले उस स्क्रीन
पर दे वेर माइंड ब्लोइंग व्हाट आई शोड देम दे गिव मी 200%. इसके लिए मैं कम्प्लीटली खुदा को ही बोलूँगा कि खुदा ने मुझे पहले दिन से ऐसी जगह रखा. मेरे गुरुजी का नाम था अजीज सजवार. पहले उन लोगों की फिल्म आपने देखी इलाका, शतरंज, माफिया, बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, उनका भी होल्ड बड़ा कॉमेडी में ज़बरदस्त था. तो खुदा ने मुझे ब्लेस किया ऐसा डायरेक्टर जिसके अंडर में मैं काम किया, प्लस उनके एक्टर्स जैसे चीची भैया, गोविंदा, हाय हाय क्या सीखने मिलता था. मतलब लिटरली कान पकड़ के बोलता हूँ, गुरुओं के साथ में था. ये ब्लेसिंग्स थी मेरे लाइफ में, कैसे लोगों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला. और मेरे अंदर जो हुनर खुदा ने ऑलरेडी दिया था उसको इस वजह से पॉलिश हुआ. जी गाने मैंने इसमें हर टाइप के रखे, और कॉमेडी को मैंने फोकस गानों पे नहीं किया, मोर ऑफ स्टोरी पे किया हुआ है. जो मेरी स्टोरी लाइन कह रही है इट्स अ वेरी सीरियस लाइन, बट आई हैव टोल्ड इन वेरी कॉमेडी. थैंक यू, बहुत ही मजा के साथ रही है. और
से ही आपको छोटे की शुरू करेंगे कैश यूज नहीं बोल रहे हैं। नमस्कार एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच यहाँ पे आप सभी उपस्थित हुए हैं। और वैसे कितना कहना चाहूंगी, आई एम वेरी ब्लेस्ड इस फिल्म को प्रोड्यूस करके, और थैंक यू सो मच। शिवचानी जी अपने टाइम की अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी है और आज भी वो उसकी चाह में है, तो इनके लिए कैसा होता है वो आप ही कोशिश कर रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया अच्छे, तो आपसे ज्यादा बढ़िया आप सबको देखकर। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? मैं बात बैक कर लेती हूं, साउंड नहीं आ रहा है, क्या बात है? बैक कर लेंगे अल्लाह मुझे टाइटल के बारे में क्या कहेंगे? टाइटल आप लोगों को अफेक्ट करता है? गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राज रहमान अली है, माय कैरेक्टर नेम है संतोष। यहाँ पे जो राज खुला गया जैसे मेरे नाम की तरह, वो उस पोस्टर में जो नकाब वाला बंदा है वो मैं ही हूँ। तो चेहरे का नकाब तो खुल गया, ये राज खुल चुका है। तो इस कैरेक्टर का क्या क्या गेम है इस फिल्म में, क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है, तो वो चीज़ आप लोग फिल्म देखते ही समझ। तो मैं ज़्यादा कुछ अपने कैरेक्टर का डेफिनेशन नहीं देना चाहूँगा, आप सभी से और जनता से आपके थ्रू से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म, यू गोना लव इट, यू गोना एंजॉय इट विद योर फैमिली विद योर किड्स, सो इट्स रियली अमेजिंग, प्लीज़ गो एंड वॉच। ओके सर, व्हाट अबाउट यू? या गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस विद योर प्रेजेंस। मेरा कैरेक्टर बहुत ही चुलबुला है, बहुत ही नौटंकीबाज, जुगाड़ू, बहुत ही ओपन, बहुत ही लाइवली कैरेक्टर है, बहुत मतलब बहुत लाउड कैरेक्टर है मेरा। एंड बहुत ही मज़ा आया मुझे कैरेक्टर करते हुए। एंड या प्लीज़ मूवी देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। इट्स अ कम्प्लीट एंटरटेनिंग मूवी, इट्स अ हॉरर कॉमेडी और सबके लिए, कोई भी इसका जा सकता है, बच्चे बुजुर्ग कोई भी जा सकता है। एंड या इट्स अ गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये कुत्ते की दुम मैंने वैसे देखी हुई है घरों में भी उधर उधर, लेकिन ये क्या कुत्ते की दुम बनेगी? हमारी किसी के साथ
मुहावरा है एक कुत्ते की दुम, लेकिन इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म एज फार एज आई फील नाउ कि भगवान करे अच्छी बने, लोग हंसे और कुछ से सुपर हिट हो। सर, यू आर एज अ चीफ गेस्ट ओवर हियर, आपके हाथों में म्यूजिक रिलीज किया गया है, हाउ आर यू फीलिंग? व्हाट आर द ब्लेसिंग एंड मेरी लाज रखना बस और कुछ नहीं, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट आई एम गॉड्स चाइल्ड, ही विल टेक केयर ऑफ इट। क्योंकि हम भी क्या क्या थे, कुछ भी नहीं थे, काम किया, मेहनत किया, लोगों ने प्यार दिया, सरा आज यहाँ खड़े हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता। तो ये तो सब उधर वाले ऊपर वाले के हाथ में। आपको यू आर आल्सो नॉट लिविंग, आपको म्यूजिक का बॉन्ड, आपकी फिल्मों में म्यूजिक बहुत ही दमदार होता है, क्या कहोगे एक्चुअली? अगर आप मैंने अभी सुना नहीं इनका म्यूजिक, मेरी फिल्मों का म्यूजिक के बारे में मुझे पता है, मगर आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक दे आर हैविंग इट। इट्स अ लाइट फिल्म एज फार एज आई थिंक, इट्स अ कॉमेडी फिल्म और समथिंग फनी, तो उसमें म्यूजिक भी वैसा ही होगा। लेकिन पहले जैसी बात संगीत की थी, जिसको बच्चे बूढ़े औरतें सब गुनगुनाते थे, ऐसा संगीत तो आ नहीं रहा है। कुछ गाने आते हैं कभी कभार, लेकिन पहले हर फिल्म में गाने एक होते थे। अब आवारा बरसात से देख लीजिए, महबूब साहब की फिल्म देखिए, गुरुदत्त साहब की देख लीजिए, तो हर गाना हिट होता था और गाने में इतना दम होता था कि लोग खींचे चले आते थे थिएटर में। आज संगीत नाम की चीज़ जो हमारे देश का बेसिक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली चीज़ है, शादी में संगीत, बर्थडे में संगीत, पार्टी में संगीत, फंक्शन में संगीत, हर जगह संगीत ही संगीत होता है, तो वाई नॉट इन फिल्म्स नाउ? वी आर ट्राइंग टू बी अमेरिकन फॉर नथिंग। ये तो मैं कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, वेरी सून आई लॉन्च माई फिल्म एंड आई सी ऑल योर फ्रेंड्स देयर अगेन। लेकिन अभी मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता कि क्या होना है क्या नहीं होना है, वो बेकार बात लगी, एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक एनीथिंग अबाउट इट। But if I make this time, I'll make a musical love story. Thank you. All the best. Yes, sir. मेरा किरदार बहुत ही भोला है, जो कि भाइयों के पीछे लग के गलत कामों में पड़ जाता है, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये बहुत कुत्तापन है, तो बहुत जल्दी वो एक अच्छे कामों में आ जाता है। मैम, योर इंट्रोडक्शन एंड आपके किरदार के बारे में जानना चाहिए। मेरा किरदार इसमें बहुत बबली टाइप का है, बाकी आप मूवी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कुछ भी तो जानना चाहेंगे, आप कॉमेडी कर रहे हो, सीरियस हो, स्टूडेंट हो, क्या है? हाँ, थोड़ा बहुत कॉमेडी है और बहुत एट्रैक्टिव भी है, तो अभी आपको बाकी मूवी देख के ही पता लगेगा, वरना मूवी देखने कैसे जाओगे? कैसी मिली ये फिल्म के बारे में जानना चाहिए, प्रोजेक्ट जब आपके पास आया था, व्हाई डिड यू एग्री टू दिस? मैं एक कोरियोग्राफर थी, हमेशा मैंने पर्दे के पीछे ही काम किया है, लेकिन मन में एक ख्वाहिश थी बड़े पर्दे पे काम करने की। तो पटियाला में जब पंजाब में ऑडिशंस हुए थे, तो पटियाला में ऑडिशन था, मुझे एज अ कोरियोग्राफर बुलाया गया था, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मुझे, जब मैं उनसे मेरा मीटिंग हुआ तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा सीन करने के लिए कहा कि आपको एक छोटा सा सीन करना है फिल्म के लिए। तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे छोटा सा सीन मिलने वाला है फिल्म में। देन मैंने वो ऑडिशन क्लियर किया, मेरा वहाँ ऑडिशन लिया, देन आई कॉन्ट बिलीव मुझे मेन हीरोइन का ब्रेक मिला। सो मेरे लिए इससे खुशी की बात कोई नहीं थी, मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई, मेन हीरोइन बनी। इसके पहले आपने क्या किया है, एनीथिंग एक्सपीरियंस? मैंने पर्दे के पीछे ही काम किया है, मैं एक डांस कोरियोग्राफर थी, एक डांस अकेडमी चला। जी मैंने फिफ्थ क्लास में पहले एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, भाषण प्रतियोगिता में, और उसके बाद मैंने आफ्टर क्लास टू थिएटर ज्वाइन किया, एंड देन मेरे को पता चला कि कुत्ते की दुम मूवी का जो है ऑडिशन नाभा में होने जा रहा है, तो मैंने ऑडिशन में हिस्सा लिया। प्रोड्यूसर मैम और डायरेक्टर सर ने ऑन द स्पॉट मेरे को सिलेक्ट किया, एंड देन मेरे को मूवी मिली। मैं बहुत लकी समझता हूँ और थैंकफुल हूँ सत्येंद्र त्रिपाठी सर प्रोड्यूसर, एंड सोनिका पटेल मैम, सनम पटेल मैम, डायरेक्टर सर सुनील पटेल का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे ऊपर बिलीव किया, और थैंक यू सो मच। आज एक म्यूजिक फिल्म म्यूजिक रिलीज का अवसर है, नॉर्मली कॉमेडी जो फिल्म होती है एक्चुअली उसमें म्यूजिक काफ़ी हार्ड होता है, किस तरह का म्यूजिक है, कितने गाने हैं, आप गाना करते हो, साउंड चित्रण करते हैं, कितना मज़ा है?
इस मूवी में टोटल 4 गाने हैं, बाकी इसके बारे में हमारे डायरेक्टर सर बताएंगे आपको, और बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, बहुत ही अच्छे गाने हैं, आप सब इन्जॉय करो। जी जी, ये फिल्म पूरे ऑल ओवर इंडिया में शूट की गई है और 12 डेज में इसका शूट कंप्लीट किया गया, जो कि बहुत ही अपने आप में एक रिकॉर्ड दर्ज है। बताना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे जो आप फिल्म के दौरान मतलब आपको लगे कि हाँ ये बताने जैसा है? फिल्म के दौरान मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यही कहूँगी कि मैंने जैसे कि बताया पहले, मैं एक कोरियोग्राफर थी, तो मैंने बहुत से शूट्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आर्टिस्ट लोग से बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करवाते, बहुत डांटते हैं या कुछ, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मुझे बहुत अपनापन लगा, मतलब जो प्रोड्यूसर मैम है मुझे मेरी माँ की कमी बिल्कुल फील नहीं हुई, और डायरेक्टर सर मुझे कभी मेरे पिता की कमी नहीं फील हुई, अपने बच्चों की तरह मुझे हमेशा ऐसे समझाया और मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ा मैं यही आपको यही बोलना चाहूँगी कि मैंने इस फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा था जैसे एक फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली ज्वाइन किया, तो पूरी टीम ने एक फैमिली की तरह काम किया। जी, फुल कॉमेडी मूवी है, फैमिली मूवी है, पूरा सस्पेंस थ्रिलर है, और आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली कुत्ते की दुम ऐसी मूवी है जो आप अपने परिवार के साथ भी देखने जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत कॉमेडी है, रोमांस है, थोड़ा हॉरर भी है, ड्रामा है, तो इसको बहुत इंजॉय करोगे और इससे एक सीख भी मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे फिल्म के बारे में और क्या सोचना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर फिल्म की तरह की इनकी फिल्म भी अच्छी चले और अच्छा धंधा करे, और ऑल ओवर इंडिया में 3-4 हज़ार स्क्रीन मिले इनको, और पिक्चर मतलब शुभकामना मेरे दिल की हर टाइम इनके साथ रहती है। शकील भा, नगमा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जितनी भी छोटी बड़ी फिल्म, कोई फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती, हर एक फिल्म के साथ ब्राइट साथ में है, और आप ऑडियंस भी साथ में रहने चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर सब भी अच्छे इनको मिल गए हैं, तो फिल्म शो जल्दी अच्छा रहता है। उसका रीज़न ये है कि मैं भी कभी एक छोटा इंसान था, मैंने 1-1 रुपये का रोड पर न्यूज़पेपर बेचा है और माचिस बेची, और 0 से सेल्फ मेड बन के सबसे बड़ा आदमी बना हूँ, और इंडिया में ब्राइट नंबर 1 बना है, तो मैंने अपनी गरीबी के दिन भूले नहीं है। तो मैं चाहता हूँ हर सुपरस्टार की लाइफ के पहले पीछे जैसे मैंने की, उनके भी वो लोग भी थोड़े छोटे थे फिर बड़े हुए, तो ऐसे हर एक फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए, और भगवान ऊपर से हमारे जैसे इंसान की जैसे लोगों को मदद करता है, हर एक का धंधा चलाता है, तो कोई भी फिल्म छोटी या बड़ी या इवेंट्स या मैं हर एक को अपना एक अच्छा भाई इंसान और एक अच्छा काम कर सकूँ उस तरह का अपने दिल को समझता हूँ, और इसलिए मैं हर फिल्म को सपोर्ट करता हूँ। वो टेढ़ी के टेढ़ी रहती है, अभी तक सीधी हुई नहीं है, और चाहता हूँ ये फिल्म के बाद सीधी हो। हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस ब्राइट फ्यूचर एंड ब्राइट न्यू ईयर्स। टाइटल पे ज़्यादा दिन वर्क नहीं हुआ, जैसे हमको डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म का नाम कुत्ते की दुम रखते हैं, तो एक साथ सबने बोला वाओ, सोचना ही नहीं पड़ा दूसरी बार। एक्साइटमेंट एज ए प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा है, उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना मैं समझती हूँ कि पब्लिक जो है, जो हमारी जनता है, नई चीज़ों को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करती है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं नहीं थी
और मेरी पहली फिल्म दिल का क्या कसूर थी, तो उन्होंने सर आंखों पर बिठाया उस फिल्म को। उसी तरह मुझे अपनी एज ए प्रोड्यूसर इस फिल्म के लिए भी पूरी उम्मीद है और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, और नए कास्ट को लेके भी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इन लोगों में जो लगन और जो एक काम को लेके कहते हैं ना आग है, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी। बहुत ही अच्छा काम किया है सब ने। वेलकम, थैंक यू सो मच। म्यूजिक अच्छी है, फिल्म अच्छी है, आप लोग भी बहुत अच्छे हो, और थैंक यू सो मच आप लोगों को भी आने के लिए और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। आपका बर्थडे बहुत बधाई हो आदमी, थैंक यू इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए कि आप लोग आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, इतना मेरे लिए बहुत है। थैंक यू सो मच। हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने के लिए कोई शब्दों में नहीं बांध सकते हैं, लेकिन आप मेरी स्माइल देख के पता कर सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ, कितनी सेटिस्फाइड हूँ और कॉन्फिडेंट। एक्चुअली मेरे पूरी नई स्टार कास्ट है, वो लोग बहुत मेहनती है, मैंने उन लोगों का नाम रखा है माई लकी स्टार्स, और उन लोगों ने जितनी मेहनत की है वो सब कुछ दिखती है, और उन लोगों ने बहुत मुझे कोऑपरेट किया। थैंक यू जी। मेरे और दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए मैं सोच रही हूँ आप लोग को एक और पार्टी दे दूँ। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।